आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा सरकार जिसके 3 साल पूरे होने वाले हैं 2-3 दिन बाद, उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए, जो रोजगार की बात की, जो उन्होंने बात की किसानों के भले की बात करी, उस उद्यमियों की बात करी, व्यापार की बात करी, सारी बातें एक तरह से बिल्कुल फेल हो चुकी हैं भाजपा सरकार की। आप आज की स्थिति में बात करें, जो किसानों का इतना बुरा हाल है, किसान अपने उचित जो मूल्य फसल का वो नहीं ले पा रहे, जबकि उनको देना चाहिए। किसान पूरे देश में बर्बाद भाजपा सरकार ने कर दिया। आप देखो, ओलावृष्टि बारिश की वजह से आज की जो स्थिति में आपको बताऊं, इतनी बुरी किसानों की है। आप करप्शन की बात करो, क्राइम की बात करो, मैं अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करो, जहां कमिश्नरी सिस्टम भी 2-3 महीने पहले लागू किया गया है, उसका भी यहां पे क्या फायदा हुआ? जब तक किसी सरकार की, किसी अधिकारी की सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो नहीं चाहती होगी कि मुझे अच्छा कार्य करना है, रोजगार देना है, युवाओं की पढ़ाई के बाद जो उसको रोजगार चाहिए वो देना है, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको अच्छा माहौल देना है, जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छा मूल्य देना है, जो हमारे गाय की जो गौशाला है उनको जगह देनी है, गौशाला बनवानी है, इसके लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत है, वो भाजपा सरकार में है नहीं। ये आज हम बिल्कुल जो बीते 3 साल हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी।